मेरे चैनल में खुश अस्सलाम वालेकुम उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे बात करेंगे हम एक्वेरियस वालों की या बुरजे दल वालों की कि उनके लिए 2023 कैसा रहेगा इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है एक में हम मर्दों के मनफी और मुस्बत पहलू दूसरे में औरतों के मनफी और मुस्बत पहलू और तीसरे में तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताएंगे आपकी मंगनी कब होगी किन तारीखों में होगी किन महीनों में होगी शादी किन महीनों में होगी कौन से महीने अच्छे हैं दौलत कमाने के लिए कौन से महीने अच्छे हैं ज्यारत के जाने के लिए कौन से महीने अच्छे हैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए सदका और खैरात कौन सा होना चाहिए ये तमाम डिटेल्स के साथ हम आपको बताने लगे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का मैं हवाला दे रहा हूँ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बुरजदल जो है वह अलमिन जुम का ग्यारहवां बुरज है जो लोग इक्कीस जनवरी ता तीस फरवरी इक्कीस जनवरी से लेकर उन्नीस फरवरी के दरमियान मैंने समय पैदा होते हैं वो इस वुर्ज के अंदर आते हैं बुर्ज दल में चौबीस सितारे हैं और उनकी तरतीब ऐसी है कि देखें तो ऐसे लगता है कि कोई शख्स मशकीज़ा लिए हुए उसमें से पानी गिरा रहा है ठीक है अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इनके मर्दों की औरतों और की खसूसियात लाजमी देखते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे क्या चलेगा आ, पुर्जे दल में ख़वान् जो है उनके पहले हम मुस्बत पहलू देख लेते हैं इस बुर से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़ोतियाँ है ना हमदर्द बामल और इंसान दोस्त होती हैं पैदाइशी तौर पर उन पर यह खसूसियात होती है कि वो नो नए दोस्त बनाने की शानदार सलाहियत रखती हैं अमन पसंद जहन लोग होते हैं माजी की ग़लतियों से सबक सीखने वाले होते हैं दूसरों को बेहतरीन मशवरा देते हैं और उनकी सुनते भी हैं दूसरों की गलतियाँ आसानी से माफ़ कर देते हैं बड़े ख्वाब रख देखते हैं और उनको हकीकत में बदलने के लिए कोशाँ रहते हैं जिन सलाहियतें होती हैं खुश मिज खुश मिजाज मंददार और अमले मैदान में हमेशा कामयाबी ही देखने के शौकीन होते हैं ठीक है ख़वा अक्सर और बेशतर तौर पर कुछ करके दूसरों को हैरान कर देती हैं और ख़ुद भी हैरान हो जाती हैं कि हमसे हुआ क्या राय और सोच ज़्यादा मुस्तकम नहीं होती बदलती रहती है आ, वज़ा कता में ज़रा लापरवाही का मुजाहरा होता है लबास में गौर वफ़िक्र में डूबे रहने की आदत और अपने वजूद से लापरवाही इन्हें खपती जाहिर करती है अपने कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि अपने ख़ानदान और दोस्तों की तरफ तोज्जो देना ही भूल जाते हैं और यही इसी तरह के कुछ खूसियात जो हैं वो उनके मर्दों में भी हैं जो दल के मर्द उनकी जो खसूसियात है मुसबत वो यही है नए दोस्त बनाते हैं दुनिया को अमन का गवारा चाहते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं जो एक दफ़ा गलती कर लें उसको बार बार नहीं दोहराते दूसरों की सुनते हैं और उनको मशवरा देते हैं बड़े ख्वाब रखते हैं जहनी और सलाहितों के मालिक होते हैं माली और जज्बाती तौर पर खुद इंसारी को पसंद करते हैं और अपनी सोच और काबिलियत की बुनियाद पर दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं आ, अक्सर और बेशतर इनके किए हुए काम जो हैं वो दूसरों को इसलिए हैरान कर देते हैं कि इनको ख़ुद समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या कर दिया ये इनके मनफी पहलू में से आए शिद्दत पसंद किस्म के मर्द होते हैं और इनकी ज़िंदगी में दरमिया रास्ता तो होता ही कोई नहीं या बंदा इनका होता है या इनका बंदा नहीं होता आ, अपने दिल की बात सुनते हैं और कुछ जज्बाती फैसले कर जाते हैं इनके साथ उन इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती जो कि दिमाग से सोचते हैं ठीक है और ये अपने काम में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि फिर भूल जाते हैं कि घर वालों को भी वक्त देना था इनको जाके जगाना पड़ता है जी घर वाले आपको याद कर रहे हैं कितने अब हम इसका दो हज़ार तेईस के बारे में आपको बताते हैं रंग इनको खाकी बुरा और नीला अंसर हवा और जो चीज़ें पहनी चाहिए वो नीलम है और हदीद है बेहतरीन शरीक़ आज जोज़र मैज़ान है और नामोफिक साथ में शोर असद और अकरब है अदद आठ है इक्कीस जनवरी तक उन्नीस फरवरी है बीमारियाँ आंतों की बीमारियाँ हो सकती हैं दमा और दिन इनके लिए हफ्ते का अच्छा है ठीक है साल में इनको सदकात और वज़ाइफ और जवाहरत कौन से पहने चाहिए वो आपको पहले बता देते हैं काला रंग इनको जो है ना वो लाजमी सदका करना चाहिए हफ्ते में एक बार या तो आप ऐसे करें कि कोई दो चार सौ ग्राम काले माश ले लिया करें या काला नमक ले लिया करें या काला कपड़ा हंसबे तोफ़ी कुछ भी हर हफ़्ते सदका कर दिया करें या लाओ या फ़ात हो या को जो है वो आपको हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए पत्थरों में अगर आप नीलम और याकूत हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें आपको ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं इनके बकाया भी कि कैसे मामला रहेंगे आ, माशी व माली इसमाम देख लेते हैं ठीक है जी कि आपके लिए माशी तौर पर कैसा रहेगा मुश्तरी जो दूसरे घर का मालिक है वो सोलह मई तक तीसरे घर में क्याम करेगा और रुकावटें तो साठ सत्ती की वजह से हो सकती हैं कुछ अर्से के लिए माली मामल में जो बेहतरी है वो भी नज़र आ रही है ये मार्च और अप्रैल के महीने में नज़र आ रही है ठीक है आ, सितंबर और दिसंबर सितंबर चार से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चार महीने ऐसे हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी या जायदाद की ख़रीदो फरोख्त करना चाहें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा उसके बाद शादी ब्याह के मामला देख लेते हैं आ, आपके शादी ब्याह के जो मामला हैं वो इस साल अगर आप ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि बहुत बीच में ऐसा ऐसा टाइम आ रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं जैसे बीस जनवरी से और अठारह फरवरी है तीन मार्च तो उन्नीस मार्च है सत्रह जून तो चार नवंबर जिसमें आपकी तलखियाँ बढ़ेंगी ख़ानदान वालों के साथ भी और घर वालों के साथ भी और शादी की कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं इसलिए सदका और ख़ैर लाजमी करें मंगनी औलाद इनामी बॉन्ड या लॉटरी शाटरी अगर आपको लेना चाहते हैं तो कौन सा रहेगा आ, तो मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ 11 जून से लेकर 27 जून तक जून के महीने में 11 से 27 तक इनामी बॉन्ड लॉटरी प्राइज बॉन्ड अल्लाह की तरफ़ से दौलत मिलने नस्बत या रिश्ता तय होने के हवाले से पेश रफ्त हो सकती है और हतमी ज़ात तो अल्लाह ताली की है जी हम आ, सिर्फ आपको राय दे सकते हैं अगर आप कोई जायदाद या रिहाइश या इस किस्म की कोई चीज़ लेना चाहें तो आ, इस महीने थोड़ा सा ये आपकी जो है बहन भाइयों से नाराज़गी चल रही है वरास्ती कारोबार वगैरह में भी चल रही है वरासती मामला ख़राब हो सकते हैं जो कि फरवरी से मार्च में बहन भाई और खाना से आपके तल्क जो है वो शदत भी अख्तियार कर सकते हैं बड़े बुरे हो सकते हैं तो ज़रा एहतियात कर ले तो बेहतर है अमिग्रेशन खुफिया मामला या रूहानी मामलों के हिसाब से आपके देखें तो जनवरी से आप इमिग्रेशन के वाले से पेशर रफ्त तो हो सकती है बैलून सफ़र कर सकते हैं साठ सती जो है ना वो जारी मुश्किल में आपको बे और नाकामी की कैफ़ियत में मुबला कर सकती है इसलिए थोड़ा सा अगर एहतियात कर ले तो बेहतर है सितारों की गर्दिश आपको जो बता रही है वो ये बता रही है कि इस साल जो सबसे ज़्यादा आपने एहतियात करनी है ना वो ये है कि नाहूसर जो है ना सितारों की उसकी वजह से अकरबा अलमल्ला बहन भाइयों के साथ मामला ख़राब हो सकते हैं सफ़र जो दरपेश आ सकता है उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होता नज़र आ रहा तालुकात अमा भी सही माशरत में भी विरासत के हवाले से अगर आप देखें तो बातचीत में आपको मामला में बड़ी खामोशी और कोशिश करें कि विरासत के, के मामला घर में तय हो जाए क्योंकि अगर आप चले गए कोर्ट कचहरी तो आपके हक में जाते नज़र नहीं आ रहे सिर्फ यहाँ पे जो अच्छा नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि आप अगर सफ़र बैरून मुल्क सफरात मजहबी मकामत की जानेबाला तलीम के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए करना चाह रहे हैं तो सत्रह मार्च के बाद अच्छा है याद रखें नवे घर में केतु का क्या भी इस साल बैरून मुल्क सफरात में रुकावट लाने का बायस बन सकता है तो आपके लिए थोड़ा सा जो है ना दो हज़ार तेईस कैसे मैंने बता दिया शुक्रिया